नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेम की शक्ति में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ खास जानकारी लेकर आई हूँ, तो अगर आपको हमारी दी हुई यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल के बटन को दबाएं आगे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। और दोस्तों, हमें कमेंट करके भी बताएं कि हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, वैसे तो शरीर पर तिलों को सुंदरता से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर यह तादाद से ज़्यादा हमारे शरीर पर नज़र आने लगें तो सुंदरता बढ़ाने के बजाय कम और कर देते हैं। तो इन्हें हटाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय अपनाते हैं, और कुछ लोग तो इन तिलों की समस्या से परेशान होकर लेज़र थेरेपी के जरिए इन्हें रिमूव करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे जो तिल की समस्या से आपको निजात दिलाएंगे। इसके लिए आप अनानास, लहसुन और बेकिंग सोडा आदि चीज़ों को इस्तेमाल कर सकती हैं। लहसुन, दोस्तों लहसुन में कई तरह के पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो तिल को रिमूव करने में कारगर होते हैं। इसके लिए आप लहसुन को बारीक पीस लें और जहां तिल है वहां पर लगाएं, और रात भर के लिए इसे ऐसे ही लगा छोड़ दें। सुबह उठकर साफ पानी से धो लें। इस उपाय को रोजाना करने से कुछ ही हफ्तों में आपके तिल समाप्त हो जाएंगे। प्याज, प्याज का पेस्ट बनाकर तिल पर लगाएं, 2-3 घंटे के लिए फिर ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद साफ पानी से धो लें। ऐसा हर रोज करने से तिल धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अनानास, अनानास के रस को आप रुई की मदद से तिल वाले हिस्से पर लगाएं, कुछ देर तक ऐसे ही रहने दें, फिर उंगलियों से धीरे धीरे मसाज करें, फिर पानी से धो लें। कुछ ही दिनों में आपको लाभ दिखाई देगा। एक दिन आपके तिल आपके चेहरे से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। धनिया, चेहरे से तिल को हटाने में धनिया काफ़ी कारगर है। इसके लिए आप धनिया की पत्तियों को अच्छे से पानी से साफ कर लें, फिर पीसकर इनका पेस्ट बना लें और तिल वाली जगह पर लगाएं। इस प्रक्रिया को आप रात में करें। पेस्ट को रात भर लगा छोड़ दें। सुबह उठकर साफ पानी से चेहरा साफ कर लें। इस उपाय के करने से आपके तिल कुछ ही हफ्तों में बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और आप इस तिल की समस्या से छुटकारा पा लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रेम की शक्ति से। धन्यवाद।